बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टू नाइट स्पेशल में खुश आमदीद। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ लखनऊ की बहुत ही फेमस वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे घर वालों को तो बहुत ही पसंद आई थी और आई एम 100% श्योर आप भी जब इसे ट्राई करेंगे तो आपकी भी ये फेवरेट होने वाली है। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं कि आज की रेसिपी को कैसे बनाना है। बिरयानी बनाने के लिए आप सीजन में मौजूद सभी फ्रेश वेजिटेबल ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को धोने के बाद मीडियम साइज के टुकड़ों में कट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आलू, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें, मटर, लहसुन, अदरक सभी कुछ ले लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड भी कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई वेजिटेबल आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है 150 ग्राम दही, जो कि फ्रेश है, घर की बनी हुई है, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सूखा पुदीना, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, और सबसे इम्पोर्टेंट 4 से 5 मैंने लिए हैं आलू बुखारे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इनको हम मिला लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। और यहाँ पे 750 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। इनको हम नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अभी हमने चूल्हा ऑन करने से पहले तीनों काम कर लिए हैं। सब्जियां कट कर ली हैं, मसाला को मैरिनेट कर लिया है और चावल भिगो के रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे, जो कि हमने बहुत ही बारीक काटे हैं। और जैसे ही आप गर्म ऑयल में प्याज डालते हैं, फ़ौरन से ये फ्राई हो जाते हैं। हम निकाल लेंगे क्योंकि जब प्याज में हम पानी डालते हैं तो फौरन ही वो अपना कलर छोड़ देते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम टमाटर डालेंगे ताकि इसकी स्टीम बने, जिससे वेजिटेबल अच्छे से कुक हो सके। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गोभी डाली है। जो वेजिटेबल आपने बड़े क्यूब्स में काटी है वो आप पहले डालेंगी, और जो आपने बारीक काटी है वो लास्ट में। सभी सब्जियों को हम सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही पकाएंगे, बिना पानी शामिल किए, बिना ढके। फ्लेम यहाँ पे आप मीडियम टू हाई रखेंगी। साथ ही मैंने गाजर डाल दी है थोड़े वक्फे के बाद। 1.5 से 2 मिनट इसको भी कुक करेंगे, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। सीज़न में सब्जियाँ हैं, फ्रेश हैं, तो इनको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट हम इसको भी पकाएंगे, और उसके बाद हम शामिल कर देंगे जो मसाला हमने मैरिनेट करके रखा है। फ्लेम यहाँ पे आप हाई कर देंगी, और उस वक्त तक आपने कुक करना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अभी हमने डालने हैं बंद गोभी और शिमला मिर्च, जो कि बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, इसलिए हमने इनको लास्ट में शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मज़ीद 5 मिनट के बाद हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। तली हुई प्याज शामिल करेंगे, थोड़ी सी मैंने बचा ली है गार्निश के लिए। और अब चलते हैं हम चावल को बॉईल करने की जानिब। चाहे आप जर्दा बनाएं या बिरयानी, पानी आपने खुला लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी लिया है। 2 बादियान के फूल शामिल करेंगे, 3 से 4 सब्ज़ इलायची मैंने खोल के डाली है, 5 से 6 दर्द लौंग डाले हैं, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पात, और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। 2 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक पानी में कम हो जाता है, क्योंकि हम बाकी पानी वेस्ट कर देंगे। आपने ज़्यादा डालना है।
जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा हम इसमें चावल शामिल करेंगे और इसे हिला देंगे। और फ्लेम यहाँ पे आपको हाई रखनी है। चावल को कितनी देर तक कुक करना है ये डिपेंड करता है चावलों की क्वालिटी पे। 80% तक हमने चावलों को कुक करना है, जिस तरह हम ज़र्दा और नॉर्मल बिरयानी बनाने के लिए चावल बॉयल करते हैं, और इसको स्टेन कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे फ्लेवर मिल्क। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने जूलियन कट में अदरक शामिल की है। जैसे ही ये हल्की सी गोल्डन हो जाएगी हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें स्लिट करके डाल देंगे। ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो फौरन ही मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो जाएंगी। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब दूध, और इसमें हम फूड कलर डालेंगे। मोस्टली यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं कि दही में फूड कलर डाल के ऊपर से डालते हैं जिससे चावल जुड़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, बस थोड़ा सा। अब हम इसमें अगर आपके पास सैफरन यानी कि केसर हो तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने तकरीबन 1 पिंच के करीब येलो फूड कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए डालने लगी हूँ रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून, और तकरीबन चंद कतरे हम इसमें केवड़ा वाटर के शामिल करेंगे, जिससे बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। और बस हमारा फ्लेवर मिल्क तैयार है। अब हम करते हैं इसकी लेयरिंग। जिस बर्तन में हमने चावलों को बॉईल किया है उसी में हम शामिल कर देंगे सब्ज़ी का कोरमा। नीचे हमने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है, और उसके बाद हम चावलों की लेयर लगाएंगे। चावल कभी भी आप स्पैचुला की मदद से मत डालें, बल्कि एक प्लेट की मदद से डालें। इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, और दूसरा चावल टूटते नहीं हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्लेवर मिल्क डालेंगे, और उसके बाद सब्ज़ी का कोरमा और चावलों की तह लगाते जाएंगे। कुछ लोगों को लेयरिंग करना मुश्किल लगता है, लेकिन जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, इस तरह आप लगाएंगी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और फ्लेम यहाँ पे आपने ऑफ ही रखनी है जब आप लेयरिंग कर रही हों। और उसके बाद लास्ट लेयर हम लगाएंगे चावलों की, और उसके ऊपर हमने हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ शामिल करना है। जो तली हुई प्याज हमने बचा के रखी थी वो इसके ऊपर डालेंगे, और फ्लेवर मिल्क सारा इसके ऊपर डाल देंगे। इससे चावल हमारे जुड़ेंगे नहीं और बहुत ही प्यारा कलर आएगा। थोड़ा सा इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, इसे मैंने पानी में घोला नहीं है। स्टीम की वजह से इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। और यहाँ पे मैंने 2 लीमों का रस निकाल के इसके ऊपर डाल रही हूँ, जिसे चावल जुड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास लेमन ना हो तो इसकी जगह सिरके का भी यूज़ कर सकती हैं। एक मोटी तह लगाएंगे कपड़े की, और इसके बाद ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख के 20 मिनट के लिए हम इसे दम पे देंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ पे हम गलती कर देते हैं कि जब हम इतनी मेहनत से बिरयानी बहुत अच्छी बना लेते हैं तो एंड टाइम पे जैसे ही हम बिरयानी को खोलते हैं फौरन ही हम इसमें स्पैचुला डालते हैं, और देखते हैं कि बिरयानी नीचे से लगी तो नहीं है या कच्ची तो नहीं रह गई। तो आपने स्पैचुला नहीं हिलाना, क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, इनमें स्टीम होती है। आप इसे फौरन ही नीचे तक लेके जाएंगे तो चावल जुड़ जाएंगे। आपने एक प्लेट की मदद से किनारों से बिरयानी को बहुत ही आहिस्तगी से हिलाना है। जब चावल थोड़े से नॉर्मल हो जाएं उसके बाद आप इस स्पैचुला को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की बनी है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चावल और सब्ज़ी हमारे बिल्कुल परफेक्टली कुक हैं, ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मैशी हैं और ना ही ये जुड़े हुए हैं। अगर आपने वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई हैं इन्हें फॉलो करेंगी तो बिल्कुल ऐसी ही बिरयानी आपकी भी बनके तैयार होगी। अगर ये बिरयानी आप किसी दावत में बनाएंगी तो आपकी तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें होने वाली हैं। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। आप इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।